स्टूडेंट्स अब एक और तरीका जिस एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि लेट सपोज आपको पूरा सर्किट डिजाइन करने को ना कहा जाए, बल्कि आपको कहा जाए कि ये स्टेट टेबल है, इसको देख के आप स्टेट डायग्राम बनाएं, या स्टेट डायग्राम है उसको देख के स्टेट टेबल बनाएं, हम दोनों किसी इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये आपके पास एक स्टेट डायग्राम है, इसको देख के आप लोगों ने स्टेट टेबल बनाना है। तो कितनी स्टेट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 मेरे पास स्टेट्स आ गई, Q0 Q1 Q2 Q3 एंड Q4। हर एक के ऊपर इनपुट की वैल्यू या 0 या 1 होगी। फिर इसको फिल करना शुरू करते हैं। Q0 पे है, 0 एंटर करे तो Q1 पे जा रहा है और आउटपुट है 0। Q1 पे जा रहा है और आउटपुट है 0। Q0 पे है और 1 एंटर करे तो Q2 पे आ रहा है और आउटपुट अभी भी 0 है। Q1 पे हो और 0 एंटर करे, Q1 पे हो और 0 एंटर करे तो वापस Q1 पे और आउटपुट 0, तो वापस Q1 पे और आउटपुट 0। Q1 पे हो और 1 एंटर करे तो Q3 पे जा रहा है और आउटपुट है 1। Q3 पे जा रहा है और आउटपुट है 1। फिर Q2 पे है और 0 एंटर करे, Q2 पे और 0 एंटर करे तो Q4 पे और आउटपुट 1। तो Q2 पे है, 0 एंटर किया तो Q4 पे गया, आउटपुट हो गई 1। Q2 पे है और 1 एंटर करे, Q2 पे है और 1 एंटर करे तो वापस Q2 पे और आउटपुट है 0। फिर Q3 पे है और 0 एंटर करे, Q3 पे है और 0 एंटर करे तो Q4 पे जा रहा है और आउटपुट है 1। और Q3 पे है और 1 एंटर करे, Q3 पे है और 1 एंटर करे तो Q2 पे आ रहा है और आउटपुट है 0, राइट। फिर इसी तरह Q4 पे है और 0 एंटर करे, Q4 पे है और 0 एंटर करे तो कहाँ जा रहा है, Q1 पे और आउटपुट है 0, Q1 पे और आउटपुट है 0। और Q4 पे है और 1 एंटर करे, Q4 पे है और 1 एंटर करे तो जा रहा है Q3 पे और आउटपुट है 1। सही हो गया। और दूसरा तरीका क्या है कि आपको स्टेट टेबल दे दिया जाए और आपको कहा जाए स्टेट टेबल को देख के आप स्टेट डायग्राम बनाएं। तो सबसे पहले देखेंगे स्टेट्स कितनी है, ए बी सी डी ई, 5 स्टेट्स बना ली। ए के ऊपर है और यूज़र इनपुट करता है 0 तो वापस ए पे जा रहा है, तो 0 एंटर करता है तो वापस ए पे जा रहा है, आउटपुट है 0। इसी तरह ए के ऊपर है और 1 एंटर करे तो बी पे जा रहा है, ए के ऊपर है तो 1 एंटर करे बी पे जा रहा है और आउटपुट अभी भी 0 है। फिर इसी तरह बी के ऊपर है और 0 एंटर करे तो वापस जा रहा है ए के ऊपर, आउटपुट 0। और इसी तरह बी के ऊपर है और 1 एंटर करे तो सी पे जा रहा है, बी के ऊपर है 1 एंटर करे तो सी पे जा रहा है, आउटपुट अभी भी 0 है। फिर सी के ऊपर है और 0 एंटर करे, सी के ऊपर है और 0 एंटर करे तो डी पे जा रहा है, आउटपुट है 0। सी के ऊपर हो और 1 एंटर करे तो वापस सी के ऊपर, आउटपुट आ गई 0। डी के ऊपर है और 0 एंटर करे तो ए के ऊपर जा रहा है, डी के ऊपर है और 0 एंटर करे तो कहाँ जाएगा, वापस ए के ऊपर जाएगा और ये जा रहा है आपके पास। और इसी तरह डी के ऊपर है और 1 एंटर करे तो ई पे जा रहा है, आउटपुट हमारे पास ई की 1 है। ये आउटपुट्स आपको यहाँ से पता चल जाती हैं क्योंकि मोर मशीन है, तो मोर मशीन में जो आउटपुट्स है वो इन स्टेट्स पे डिपेंड करती हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी देख के इनको फिल कर सकते हैं। ई के ऊपर है और 0 एंटर करे तो ए पे जा रहा है, ई के ऊपर है और 0 एंटर करे तो ए के ऊपर जा रहा है, आउटपुट है 0। और ई के ऊपर है और 1 एंटर करे तो सी पे जा रहा है, ई के ऊपर है और 1 एंटर करे तो ये सी के ऊपर जा रहा है, आउटपुट ई वाली 1 है, राइट। इस तरह से आप स्टेट टेबल को देख के स्टेट डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारी कुछ डिस्कशन थी मोर मशीन्स के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी इन डिटेल रजिस्टर्स को, कि वो क्या है, उनके कुछ टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, एक ओवरव्यू आपको देंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रजिस्टर्स की बात करेंगे।